आयु सरकार ने कहा है कि उन्हें शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, वो प्रधानमंत्री की बेटी है और पोती है। शिष्टाचार का पालन तो उन लोगों करना चाहिए, तो क्या क्या भाषा प्रयोग करते हैं, दूसरे पर उपदेश कुशल बहुतेरे है ना। यदि प्रधानमंत्री की बेटी है पोती है तो सोनिया गांधी भी तो प्रधानमंत्री की बहू है ना, उसके बारे में हमारी भी सुगुरु ने क्या क्या बोला है, और भारतीय जनता पार्टी वाले किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना चाहिए, शिष्टाचार का पालन नहीं करना चाहिए उनको। आपने किसानों की दो बड़ी घोषणा की, धान 20 क्विंटल, भाजपा के नेता भी चाहते थे किसानों की घोषणा है छत्तीसगढ़ के, लेकिन हो नहीं पा रहा, मोदी जी की वजह से नहीं हो पा रहा। मोदी जी तो चाहते नहीं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जैसे बनी उन्होंने बोनस देने पर प्रतिबंध लगाया था, उन्हीं के कहने पर तो 10 क्विंटल खरीदने का भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था, 2 साल का बोनस नहीं मिला। चिट्ठी तो मैंने लिखी है कि रमन सिंह जो 2 साल का बोनस नहीं दिया मैं देना चाहता हूं, मुझे अनुमति भर दे दो, तो अनुमति भी नहीं दे रहे हैं। यदि अनुमति दें तो 2 साल का बोनस भी हम किसानों को दे दें। सर राहुल गांधी जी आएंगे तो कुछ और घोषणा कर सकते हैं, इंतजार करिए कल तक। राजस्थान में सर मुख्यमंत्री ने घोषणा की महिला समूह पूरी परिवार समूह को 10,000 का दिया है, वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग घोषणाएं होती। जैसे किसानों को जो हम लोग सुविधा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वो तो हिंदुस्तान किसी राज्य में नहीं मिल रहा है, जो हमारे यहाँ है। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग परिस्थितियां होती है, उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। अब भाजपा ने तीन ट्वीट करके दावा कर दी कि विकास के राकेट अवैया है, विकास के राकेट अवैया बोल रहे घोषणा पत्र। हाँ वो तो 15 लाख तो सबके खाते में पहुंच गए, सबके अच्छे दिन भी आ गए, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां भी मिल गई हर साल है ना, और रमन सिंह 2100 दिए थे वो मिल चुका है, सभी आदिवासियों को जर्सी गाय भी मिल चुकी है, दूध की नदियां बह रही है आदिवासियों घरों में। तो और घोषणा करें, सवाल इस बात का है, गारंटी या घोषणा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस घोषणा या गारंटी का भरोसा किस पर है। जो हम लोगों ने 5 साल में काम किया है तो भरोसा हम पे है, उन पर नहीं है। हाँ वो उसके बाद सीबीआई जांच करवाने के हाईकोर्ट गए हैं है ना, उसके बाद इंटरपोल की भी जांच कर लेना चाहिए। मैं इनसे पूछता हूँ क्यों चिटफंड के घोटाले हुए उसकी ईडी जांच क्यों नहीं होना चाहिए, पनामा में जो अभिषेक सिंह का नाम आया है उसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए, नान घोटाला में सीएम सर और सीएम मैडम ईडी कब जांच करेगी, और ये हेमंता विश्व शर्मा के जो जांच है वो क्या क्लोज हो गया है क्या, क्यों नहीं हो रहा है। और ये बता दे कि महाराष्ट्र में पवार जी के, अजीत पवार जी के उसको क्लोजर रिपोर्ट क्यों भेज दिए, वो तो उस समय सही था, फिर गलत कैसे हो गया ये बताएं। और यहां जब बात कर रहे हैं तो भैया महादेव ऐप के हम तो लुकआउट सर्कुलर जारी किए हैं, पकड़ क्यों नहीं रही है केंद्र सरकार, और क्या साठ गांठ है उनके साथ जो महादेव को बंद नहीं कर रहे हैं, और लिकर की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्री मालिक को क्यों छोड़ के रखे हैं, क्या लेन देन हुआ है, क्या समझौता हुआ है, ये तो बताएं। थैंक यू सर, चलिए आगे बैठे।